विभाग जो है हम लोगों का वो भूमि एवं जल प्रबंधन प्रभाग है। इसमें हम लोग भूमि का प्रबंधन, जैसे आप जुताई करते हैं, कितनी जुताई किस फसल के लिए, कितनी अच्छे लैंड यूटिलाइजेशन के लिए चाहिए, उस पर रिसर्च किया जाता है। और साथ साथ हम लोग कितनी बार जल देना है, कब जल देना है, कितनी मात्रा में, और पौधे के उचित विकास के लिए, ये डिफरेंट फसलों में भारत देश में बहुत तरह की फसलें होती हैं, खास करके ईस्टर्न रीजन में, तो उसके लिए हम लोग रिसर्च करते हैं और किस विधि से पानी दें जिससे कि और जल संसाधन का सही दोहन हो सके। तो इस पर हम लोग ये रिसर्च करके और किसानों को तकनीक की जानकारी देने का प्रयास करते हैं, जिससे किसान काफ़ी लाभान्वित होते हैं। क्योंकि वो युग चला गया कि जब तेल की कमी थी हमारे देश में, अब तेल हमारे यहाँ कहीं से भी आयातित हो जा रहा है। पानी ऐसा चीज़ है जो पानी अगर कमी हो जाएगा तो कब अगले जनरेशन के लिए बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, बल्कि वर्ल्ड वार अगला अगर होगा तो पानी के लिए होगा। तो पानी का जल प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है, खास करके कृषि में, क्योंकि कृषि में सबसे ज़्यादा पानी का यूटिलाइजेशन होता है। किसानों को ये जानना चाहिए कि 3,000 लीटर से लेकर 5,000 लीटर तक पानी 1 किलो धान के उत्पादन में लग जाता है। ऑर्चर्ड है गुआवा का जो प्रूनिंग किया गया है, इससे सारा जो है जब ब्रांचेज निकलते हैं तो ज़्यादा फोलियज होता है और ज़्यादा फ्रूट भी इसमें फ्लावरिंग होने के बाद ज़्यादा यील्ड बढ़ जाता है। तो क्रॉप के लिए ये बहुत लेट चना भी लगा दिया गया है, रिसर्च भी देखा जा रहा है कि लेट में चना होगा। उधर भी है तो सब मशहूर डिफरेंट वेराइटीज़ है। और ये सोलर से उधर पैनल है उस तरफ से किया है, इसे पंप कर सोलर सौर ऊर्जा करें। और ये इंटरक्रॉपिंग है, स्पेस इन बिटवीन ऑर्चर्ड जिसे पी वेजिटेबल पी वेजिटेबल पी पंप से जो चला, पंप से वाटर स्टोर हुआ, वो फिर पंप से उधर सर्कुलेट होगा, इसमें ड्रिप सिस्टम से सिंचाई होगी। ये मेरी ओल्ड ये न्यू मैंने बोरो राइस जो नॉर्थ बिहार का है, उसका नर्सरी ठंडा में ख़राब हो जाता है, उससे भी इसके बाद वो जब गर्मी आ गया तो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ इन्हांसिंग द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्लांट गुआवा। दिस इज नॉट प्रूनिंग बट इट इज टेकिंग सम ब्रांचेस इन ए बंच सो दैट स्मॉल लीफ यू टेक फोटोग्राफ। दिस स्मॉल लीफ विल गिव अगेन अनदर फ्रेश फोलिएज एंड देन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग विल टेक प्लेस। This is also to enhance the activity of plant for more production. This is red gram cross pollination to avoid cross pollination between one variety to another. They are implements for tiller and for the tillage. Low lying area where mustard is being grown late. Mustard crop very good. Here evaluation of identification of rice was done genotype for submergence only, followed by mustard. This land is getting prepared for puddling for boro rice, winter rice. That's nursery which you have seen.
दैट इज पॉली हाउस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम वेयर वेजिटेबल एंड अदर थिंग्स इंटीग्रेशन farmers can put live fence with this because thorns are there. Animal will not enter or eat it. If it is closely planted. डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम्स लिया गया है और अलग अलग क्रॉपिंग सिस्टम में हम ये देख रहे हैं कि अगर राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम को डाइवर्सीफाई करते हैं वेजिटेबल्स तो उसका क्या इफेक्ट होता है, जैसे कि अभी जैसे फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने की बात हो रही है तो इसमें वेजिटेबल्स का क्या रोल है कोई भी क्रॉपिंग सिस्टम में, इसी का इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। और इसमें दो ड्यूरेशन के राइस वेराइटीज़ ली गई थी, एक शॉर्ट ड्यूरेशन और एक लॉन्ग ड्यूरेशन। तो ये जो है ये सारा शॉर्ट ड्यूरेशन वाला है जिसमें कि राइस पहले कट हो गया और उसका हार्वेस्ट लैंड फ्री हो गया तो दूसरे वेजिटेबल्स लगाए हैं और इसमें ऑलरेडी पालक और ब्रोकली हार्वेस्ट हो चुका है। ये थर्ड क्रॉप है ब्रोकली का, ये के लिए छोड़ रहा है राइस ब्रोकली के लिए। ये क्या लगाए हैं एक्चुअली, ये राइस ब्रोकली ग्रीन ग्राम था सर, लेकिन ब्रोकली जल्दी हार्वेस्ट हो गया और ग्रीन ग्राम के सोइंग में अभी टाइम है तो बीच का जो हम लोग को फैलो पीरियड मिला तो उसमें हम लोग पालक लगा दिए। फार्मिंग सिस्टम जो है उसमें इंटीग्रेशन में एनिमल कंपोनेंट जो है, एनिमल कंपोनेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ फसल के करने से इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि आउटपुट ऑफ वन कंपोनेंट बिकम्स इनपुट फॉर अनदर कंपोनेंट। सपोज वी आर ग्रोइंग पोल्ट्री और मशरूम, तो दोज बाय प्रोडक्ट्स ऑफ the one component will become inputs for another component. So now poultry unit, number of birds 200 per batch, production capacity 6 batch per year. And this we have the mushroom unit is here. थोड़ा सा इसको खोल देना। हाँ खुला है। There are two types of mushroom, but one mushroom is this. This is a, this one is कौन सा बोलते हैं इसको जी? Oyster sir. Oyster mushroom. Oyster mushroom. This is in basket you see there. There they have harvested, and this is also a very good vegetable. Curry preparation. But another is button mushroom. Which we generally don't grow here. Button एक स्टार्ट कर रहे हैं बट बना नहीं, ठीक है। सेट शुड बी लाइक दिस एंड वी हैव टू प्रिपेयर इन बैग्स, पॉलीथीन बैग्स, पुट पैडी स्ट्रॉ कटिंग्स आफ्टर बॉइलिंग, दे बिकम स्टरलाइज एंड इन दैट स्टरलाइज मीडिया द स्पॉन द सीड ऑफ ऑयस्टर मशरूम इज बींग ग्रोन। ठीक है सर।
इंटीग्रेशन वी हैव बंगाल गोट्स ब्लैक बंगाल गोट्स ब्लैक बंगाल गोट्स दे हैव बिकम बिट आउटक्रॉस नाउ दे आर नॉट वेरी प्योर बट द एनिमल कंपोनेंट बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस सपोज दे हैव feces that whatever those things are also organic manure and they will be utilized in some system production crop liquid it is vermicompost unit inside we have worms they are decomposing the organic residues of farm produce and converted to final product of vermicompost which is very useful for nutrition of crop here also integrated farming system we have citrus crop you see that so they are fruiting now this is a local variety wheat intensification where we are comparing weed management techniques and we have got 8 treatments to compare and we did check mandwa weeder that is mechanical weeder and wheel hoe once on 30 days after sowing total herbicide is one herbicide which can be applied at 30 days after sowing of wheat the dose will be 40 gram product per hectare and hoe weeding twice at 30 or 50 days after sowing the T67-8 are combinations of T2 T3 and T4 with inclusion of one hand beating on 45 or 50 days after sowing. So this, when we are comparing the establishment methods of SWI system of wheat intensification, what happens? The tillering, the spacing is more. Here we are giving 25 centimeter by 25 centimeter, which is normally in traditional system is closer the spacing than this. Once more spacing is put, what happens? Plant gets more chances for natural resource natural resource utilization efficiency, and that is why more tillers and finally more grain per unit area is produced in this system of root intensification, because root also is becoming vigorous and thereby the production of biomass is also enhanced. गेहूँ में नॉर्मली ट्रेडिशनल सिस्टम में किसानों को हम लोग पानी जो देते थे वो 3 से 4 बार पानी वो देते हैं और प्रति पानी उनको 5 से 6 सेंटीमीटर पानी डाल देते हैं. पर एक विधि है जो हीट इंटेंसिफिकेशन कहलाता है, तो उसमें सघन खेती करते हैं. सघन सेंस दूरी तो ज़्यादा रखते हैं, 25-25 सेंटीमीटर एक और डायरेक्ट सोइंग करते हैं, तो उसमें 25 बाई 25 सेंटीमीटर जो ज्योमेट्री है उसका, जिस स्पेसिंग पे हम लोग बुआई करते हैं उसमें होता क्या है, स्पेस ज़्यादा मिलता है. लेकिन ये है कि वाटर सेविंग टेक्निक्स में हम लोग एक कंपेयर कर रहे हैं. टाटा ट्रस्ट एक मुंबई से एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम लोग ये तुलना करना चाहते हैं कि हम पानी का कैसे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं गेहूं. तो उसमें एक माइक्रो स्प्रिंकलर है, ₹2 लाख प्रति हेक्टेयर खर्चा इसका ज़्यादा आता है. तो माइक्रो स्प्रिंकलर का एक सिस्टम है जिसके विधि से अगर हम पानी देते हैं, ये थोड़ा और स्पीड से बढ़ने से ज़्यादा अच्छा चलता है, कभी फोर्स जब ठीक रहेगा. तो इसमें क्या होता है कि किसान ये पूरे प्लॉट में जो हमारा है वो फैलेगा पानी, और उस मात्रा के हिसाब से जितना जब पानी चाहिए पौधे को तब मिलता है. तो इस सिस्टम से हम लोग पाए हैं कि ये सबसे अच्छा पाया गया है ग्रोथ के लिए और यील्ड के लिए. लेकिन दूसरे सिस्टम भी हैं जिसमें हम लोग 7 इरीगेशन, 6 इरीगेशन, 5 इरीगेशन, 4 इरीगेशन, 3 इरीगेशन ये भी देख के या किसान के प्रैक्टिस के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि क्या हम पानी का ऑप्टिमम जो यूटिलाइजेशन होगा वो कितना देने से हमारा व्हीट का मैक्सिमम यील्ड अचीव हो पाएगा. तो ये किसानों के लिए एक अच्छी जानकारी हो सकती है. यहाँ हम लोग आलू के साथ अंतर्वर्ती खेती सरसों का, जो अफ्रीकन सरसों होता है वो राजस्थान की वेराइटी RP09 के साथ
जिसमें कि बहुत ज़्यादा 1.5 से 2 गुना नॉर्मल सरसों से उत्पादन होता है। हालांकि इसमें करीब 1 महीना ज़्यादा समय भी लगता है, और इसके साथ हम लोग एक अध्ययन कर रहे हैं कि क्या हम लोग 4 प्रकार के जैविक मल्चिस को दे करके उसमें और 3 तरह के इरिगेशन के लेवल्स को दे करके उसमें क्या हम लोग उसका फाइनल प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो इस पर अध्ययन इस साल से प्रारंभ हुआ है, जिसमें हम लोग आलू के साथ, आलू पहले उखड़ने वाला है, ये मार्च में आलू उखड़ जाएगा, लेकिन ये है कि अप्रैल में जो ये सरसों लगा हुआ है इसको हम लोग जब ये बड़ा हो जाता है 15 से 20 इसमें शाखाएँ निकलती हैं और फाइनली उसमें ज़्यादा ग्रेन पर पॉड भी ज़्यादा मिलता है और टोटल जो है स्पेस, लेकिन इसमें रोपनी किया जाता है। यह भी सिस्टम ऑफ मस्टर्ड इंटेंसिफिकेशन है, रूट इंटेंसिफिकेशन। तो ये सिस्टम जो सिद्धांत पर काम करता है कि ज़्यादा जगह आप देते हैं तो वो ज़्यादा जगह में ज़्यादा रूट वॉल्यूम और रूट ये प्लांट बायोमास होने से फाइनली पौधा इस एक लायक बनता है कि जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके, जो किसानों के हित में है और नेचुरल रिसोर्स में का ज़्यादा दोहन हो सकता है। US also, this is very common. Take photograph of corn. ये बिना पानी के भी हो जाता है और पानी देने से ज़्यादा उत्पादन होता है। ये तीसी खाने के बाद लोग थोड़ा खाएं तो इससे बहुत बढ़िया स्वास्थ्य भी रहता, हार्ट पेशेंट के लिए एडवाइजेबल भी है। तो तीसी ड्राईलैंड क्रॉप, रबी क्रॉप इंडिया में बहुत कॉमन है, और इसे लाइलन इंफॉर्मेशन ये है कि इसमें एक प्लांट टाइप ऐसा आता है जो इसे 1.5 से 2 गुना हाइट का होता है। उससे फाइबर निकालने के बाद लाइलन क्लॉथ जो बन रहा है, लाइलन क्लब इंडिया जो आप देखते हैं, वो सारा इसी में रेटिंग करके बनता है। जर्मनी में इसका ज़्यादा उस प्लांट टाइप का यूज़ होता है, क्योंकि लो टेम्परेचर में वो हाई ज़्यादा बायोमास देता है, मोर मंथ्स ड्यूरेशन क्रॉप स्टैंड करता है फील्ड में। इंडिया में सिर्फ हिली एरिया में उस टाइप का प्लांट होता है। तो हमारे यहाँ से कुछ रॉ मटेरियल जा सकता है विदेश में, लेकिन जर्मनी इसमें लीड कर रहा है वर्ल्ड में, और उसमें लाइलैंड में होल वर्ल्ड में इसका बहुत बड़ा कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है। इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है जब पंख खिलाती है और तैरती है बच्चे के, तो उससे क्या होता है ऑक्सीजन एयर का जो है ऑक्सीजन उसमें चला जाता है पानी, तो उससे मछली को ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलने से उसका साइज बढ़ जाता है। करा ले लो इसे, उसको क्या करो पहले सबका जितना फूल वाला है उसको उखड़वा लीजिए, ताकि आज फूल वाला कहीं ना बचे, उसके बाद वो हरा हरा पत्ती वाला हो गया। हरा पत्ती इतने बहुत देना नहीं है, वो ज़्यादा नहीं ले सकता है। हाँ, और इसको जो है जहाँ पे तुम्हारा वीड वाला प्लॉट है उसी के बगल में रखवाओ, जब सूखेगा तो इसको भी उसमें और ऐड कर। तीन बंदी स्टाइल उसको बोलते हैं, कोई वो है वो शेड है, फिर बर्मी कंपोस्ट का। बात करते हैं उनकी भाषा की सुन, देखिए वो भी आ गए इनके बाद। अपलैंड में रियरिंग होता है, बोट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम विथ फिश एंड ग्रासेस दे ग्रेस बोट।
कितने दिन से काम कर रहे हैं? सर 2 महीने। मैडम अब नहीं आ रही है? नहीं सर। कहाँ से ले गई? अभी सर पुलिस फॉरन में कहा चल रही है भाई? कहाँ भागेगा? तापमान एवं कार्बन डाइऑक्साइड का धान एवं गेहूँ प्रजाति का क्या प्रभाव है उस पर स्टडी होता है कंट्रोल चैम्बर ओटीसी 3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड से एम्बियंट टेम्परेचर। इसमें गेहूँ देखो अंदर में दिख रहा है, ये रिसर्च चल रहा है। डिफरेंट विंटर सीजन पल्से लाइक ग्रास पी, चिक पी एंड लेंटिल वी आर डेवलपिंग डिफरेंट लाइन्स इन दिस प्रोजेक्ट। मसूर का HUL 57 ये बहुत ही अच्छी प्रजाति है जो 28/11 को लगाई गई थी और यहाँ बीज उत्पादन के लिए लगाया गया किसानों के लिए हमारे ICR में। हम लोग कई वैरायटी जो बड़ा दाना और छोटा दाना चना का होता है उसका प्रबंधन अच्छा कैसे हो सके, कम पानी में हो सके ज़्यादा उत्पादन, उस पर अलग अलग वैरायटी का अध्ययन कर रहे हैं और इसी तरह से मसूर का भी डिफरेंट वैरायटीज़ का अध्ययन किया गया।